हाय गाइस, मैं हूँ राम के प्रजापति और आपका राम जी टेक्निकल चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लैपटॉप में सर्च बार काम नहीं कर रहा है उसके बारे में, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे करें। यदि आपके कंप्यूटर में और लैपटॉप में सर्च बार काम नहीं कर रहा है तो ये वीडियो पूरा ध्यान से देखिए। अब मैं आपको बता देता हूँ कि सर्च बार का मतलब गूगल सर्च या गूगल क्रोम में गूगल सर्च का बात नहीं हो रही है, हमारे लैपटॉप में जो पहले से दिया गया है सर्च आइकॉन उसके बारे में बात हो रही है। जैसे कि यहाँ पर सर्च बॉक्स दिया गया है, यहाँ पर एक सर्च बॉक्स ये होता है और दूसरा होता है कि विंडो के स्टार्ट पर जाएं और सेटिंग पर जाएं, दूसरा सर्च बार यहाँ पर होता है। इन दोनों की ये इन दोनों जो सर्च बार है अगर काम ना करें और फाइल वगैरह फोल्डर वगैरह ना निकले जो आप सर्च कर रहे हैं अपने लैपटॉप में, तो इसे कह सकते हैं कि आपके लैपटॉप में सर्च बार काम नहीं कर रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए बेसिकली यहाँ पर जैसे हम सेटिंग में गए तो यहाँ पर लैपटॉप की सभी सेटिंग हमारे विंडोज की ओपन हो जाती है, विंडो 10 की। ये मेरे लैपटॉप में विंडो 10 प्रो है। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर सर्च फाइंड फाइल पर माई परमिशन वगैरह कुछ ऑप्शन दे रहा है, सर्च का अलग से ही आपको सेटिंग दिया गया है, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर परमिशन एंड हिस्ट्री वगैरह यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर नीचे आएगा कि सर्चिंग विंडोज, सिंपली आपको सर्चिंग विंडो पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर इंडेक्स सर्चिंग विंडो के अंदर ही इंडेक्सिंग का जो सेटिंग होती है सब कुछ ओपन हो जाती है। तो इंडेक्सिंग स्टेटस ये दिखा रहा है, इंडेक्सिंग स्पीड इज रिड्यूस ड्यू टू यूजर एक्टिविटी, ये बोल रखी है। अगर आप ज़्यादा जो है यूजर एक्टिविटी करते हैं ठीक है, तो भी इंडेक्सिंग स्पीड धीमा हो जाती है, जिसकी वजह से आप जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, स्पीड धीमा हो जाएगी। फाइंड माई फाइल का जो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर दो चीज़ें हैं, क्लासिक्स है, इनहेंस है। क्लासिक्स वाले में सर्च ओनली योर लाइब्रेरी एंड डेस्कटॉप है, और यहाँ पर इनहेंस वाले में यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि सर्च योर इंटायर पीसी इंक्लूडिंग योर लाइब्रेरी एंड डेस्कटॉप। ओके, सर्च लोकेशन बेलो, इनिशियल क्रॉल ऑफ योर डाटा विल ओनली टेक प्लेस व्हेन कनेक्टेड टू पावर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप इनहेंस कर देते हैं तो आपके लैपटॉप में जो है सीपीयू का कंजप्शन बढ़ जाता है। सीपीयू मतलब क्या, प्रोसेसर जो कंप्यूटर है उसका कंजप्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अगर आपको यहाँ पर इनहेंस वाले रखना है, यानी कि ज़्यादा फीचर्स का इस्तेमाल करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है आपके लैपटॉप का जो सीपीयू कंजप्शन है, यूज होने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आप एक ये काम कर सकते हैं अपने लैपटॉप में। अदरवाइज आप जो है क्लासिक वाले पर ही क्लिक करके नीचे की साइड में आएंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है, ठीक है, रन द इंडेक्सर ट्रबल शूटर टू रिसोल्व कॉमन सर्च इशू। तो अगर आपके लैपटॉप में कॉमन सर्च प्रॉब्लम आ रही है तो सिंपली आप जो है इस पर क्लिक कीजिए। इसके बाद यहाँ पर ये सर्चिंग एंड इंडेक्सिंग का ट्रबल शूटिंग ओपन हो जाएगा। व्हाट प्रॉब्लम डू यू एक्सपीरियंस बोल रहे हैं, सेलेक्ट ऑल डेट अप्लाई। तो इनमें से पांच दिया गया है, पांचों में से देख लीजिए कि आपके लैपटॉप में कौन से सर्च प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कांट स्टार्ट ए सर्च और सी रिजल्ट फाइल फोल्डर एप्स और सेटिंग डोंट अपीयर इन रिजल्ट वगैरह यहाँ पर दिया गया है, सर्चिंग और इंडेक्सिंग स्लो। जो भी आपके लैपटॉप में इससे मिलता जुलता प्रॉब्लम है, सर्च की प्रॉब्लम हो रही है, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मुझे जो है कांट स्टार्ट ए सर्च ए सी रिजल्ट आ रहा है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करूंगा। उसके बाद से बोला द रिमेनिंग रिपेयर रिक्वायर्ड एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन। ठीक है, विंडो सर्च इज नॉट वर्किंग, तो ट्राई दिस रिपेयर एज एन एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करना है। उसके बाद से इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा इशू। इसी तरीके से मान लीजिए फाइल फोल्डर एप्स एंड सेटिंग डोंट अपीयर इन सर्च रिजल्ट, इस पर क्लिक करेंगे एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे एंड इसके बाद से ये रिस्टार्ट कर देगा। देखिए यहाँ पर विंडो सर्च इज नॉट वर्किंग और यहाँ पर जो है इस तरीके से सॉल्व हो चुका है। तो इस तरीके से देखिए हमारा जो प्रॉब्लम था सर्च बार का, वो यहाँ पर जो प्रॉब्लम था वो सॉल्यूशन हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद से हमें जो है यहाँ पर क्लोज ट्रबल शूटर कर देना है। ठीक है, ओके, तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग अपने लैपटॉप में जो भी सर्च की प्रॉब्लम हो रही है उस सर्च प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।